सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक और नए आईपीओ की न्यूज़ के बारे में। कंपनी का नाम है स्कैनरे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के आईपीओ से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में अवेलेबल जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, स्कैनरे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कंपनी है, इसने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करने के लिए सेबी को डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि डीआरएचपी का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। इस डीआरएचपी में कंपनी की सारी जानकारी जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा और वो तमाम जानकारी जो कि एक आईपीओ लाने के लिए जरूरी होती है वो सब डीआरएचपी में रखी जाती है और इस जानकारी को सेबी वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर आईपीओ को मंजूरी मिलती है और उसके बाद ही आईपीओ मार्केट में ओपन होता है अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, यहां पर इस कंपनी ने डीआरएचपी सबमिट कर दिया है। यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो कंपनी के प्रमोटर की जानकारी आपको मिल जाएगी और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹10 प्रति इक्विटी शेयर होगा। और देखिए, आईपीओ साइज की अगर हम बात करें तो आईपीओ जो है दो तरीके से लाया जाएगा, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के जरिए। यहां पर अगर फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू के जरिए करीब 4000 मिलियन मार्केट से रेस किए जाएंगे। इसका जो वैल्यू होता है करीब 400 करोड़ के आसपास मार्केट से फ्रेश इशू आएगा, ये फ्रेश इशू है। और अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 141,06,347 इतने शेयर यानी करीब 1,41,06,347 शेयर्स यहां पर मार्केट में बेचे जाएंगे किसी पुराने शेयर होल्डर या प्रमोटर के द्वारा और यहां पर मार्केट से जो है मुनाफा कमाया जाएगा। अब देखिए, इतने शेयर एक प्रमोटर या एक शेयर होल्डर नहीं बेचता, यहां पर डिटेल दिया हुआ है। अलग अलग यहां पर शेयर होल्डर्स हैं जो कि यहां पर अलग अलग क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। ये टोटल क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। तो अगर हम टोटल आईपीओ साइज की बात करें तो मुझे लगता है ये करीब 1000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ होने वाला है, इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ भी है और ये काफ़ी बढ़िया आईपीओ भी हो सकता है क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा आईपीओ है। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डेट के बारे में यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डेट्स मैंसन इसीलिए नहीं की गई हैं क्योंकि देखिए आईपीओ को जब तक वेरीफिकेशन नहीं होता, वेरीफाई नहीं होता, आईपीओ को मंजूरी नहीं मिलती सेबी के द्वारा, तब तक यहाँ पर डेट डिसाइड नहीं होती हैं। और देखिए, यहां पर आईपीओ आने की बात करें कि ये आईपीओ कब तक आ सकता है तो आपको बता दूं कि जब भी डीआरएचपी सबमिट होता है, डीआरएचपी सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। देखिए, कोई कोई आईपीओ होता है जिन्हें 6 महीने का वक्त भी लगता है, लेकिन जो मैक्सिमम आईपीओज होते हैं 80% आईपीओज होते हैं उनमें 2 से 3 महीने का ही वक्त लगता है क्योंकि देखिए अगर आपने डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, सब कुछ सही से आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहां पर 2 ही 3 महीने आपको लगेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आईपीओ मार्केट में ओपन होता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, कह सकते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर यानी सितंबर के लास्ट तक इसका आईपीओ आपको हर हालत में मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है और यहां पर आप पैसा लगाकर काफी बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो डीआरएचपी है काफी लंबा है, करीब 400-450 पेज का है और यहां पर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। तो अगर आप इसके पूरी जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी ये जो जानकारी है मैं आपको इसलिए देता रहता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से ऐसे आईपीओज हैं जो इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकते हैं जिससे आपको जो पैसा है वो यहाँ पर बनाने में आसानी हो सके और आपको पता रहे कि भाई ये आईपीओ ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।